चल रहा था, मतलब फिटनेस मेरा पैशन है, इसके रिगार्डिंग मेरा काम चलता रहा था। तो चंडीगढ़ में कब से था? चंडीगढ़ तो मैं अभी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया। ओके, तो इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद मेरा बस यानी इस फिल्म को रिगार्डिंग 23 को रिलीज है, तो बीच बीच में हमें प्रमोशन के लिए अलग अलग सिटीज कवर करनी है, वहाँ पर जाना होगा और उसके बाद फिर मुंबई। ओके, हाँ। और मॉडलिंग प्रोफेशन में कब से? मॉडलिंग के अंदर तो मैं 2009 के अंदर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और मिस दिल्ली कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके अंदर मैं टॉप 5 के अंदर था। फिर 2012 के अंदर मिस्टर इंडिया मैंने किया, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2012, उसमें टॉप 10 कंटेस्टेंट के अंदर था। फिर एक प्रिंसेंट कंटेस्टेंट वाला, उसके अंदर विनर था। उसके अलावा मैंने डेलियो का मॉडल ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट किया था, दिल्ली आज तक मैगजीन आते हैं उनका, उसके अंदर फर्स्ट ईयर था। तो ये कॉन्टेस्ट तो मैंने काफ़ी मॉडलिंग दिल्ली शोज भी काफ़ी किए, और अभी मैं फिटनेस को लेके काफ़ी मतलब लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो। कई लोग टाइम नहीं निकाल पाते फिटनेस के लिए, और मतलब ये प्रायोरिटीज़ देखी जाती है कि आप प्रायोरिटीज़ किसको दोगे। अब फिटनेस को अगर आप प्रायोरिटी अभी नहीं दोगे तो बाद में आपको देनी पड़ेगी। अभी आप काम को दे रहे हो, कल को फिर आपको बीपी हाई होगा, सारी चीज़ें होगी, तब आप फिटनेस को प्रायोरिटी दोगे, डॉक्टर को पैसे दोगे। तो बेटर है कि अभी आप फिटनेस के लिए कम से कम आधा एक घंटा निकालें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अभी लोग डाइट नहीं करते, फिर बाद में शुगर हो जाता तो मीठा एकदम बंद हो जाता है। लोग इस बारे में नहीं सोचते कि एकदम से बंद करना पड़ेगा। इट्स बेटर टू हैव धीरे धीरे खाओ ना, कि लॉन्ग टर्म तक आप खाते रहो मीठा, आपको दिक्कत ही ना हो। सर, पहली फिल्म में नेगेटिव करेक्टर? ये नेगेटिव करेक्टर बस ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव ही है। नेगेटिव करेक्टर बस इसलिए कि क्योंकि उनकी वाइफ से उनका लवर होता है, इनके लिए नेगेटिव है, बट करेक्टर ये मिक्स ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये फिल्म है, इसका बेस क्या है? दिस इज अ सीरियस फैमिली स्टोरी और कॉमिक फैमिली स्टोरी? इसमें एक्चुअली ना काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमारा सिनेमा काफ़ी चीज़ें बटा हुआ, ड्रामेटिक, सीरियस, कॉमेडी, इसके अंदर तीन चार चीज़ें मिक्सअप है। मतलब जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो कोई सीरियस पर्सन से स्टार्ट होता है, फिर बाद में जब ये लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ खुशियाँ भी होती है, कामयाब होते हैं, ज़िंदगी कामयाब होती है तो इंसान को खुशियाँ मिलती हैं। वो चीज़ें होते हुए जब लाइफ के अंदर ट्विस्ट आते हैं कि पता चलता है कि यार मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, ये ट्रेजेडीज हो रही हैं, तो उस टाइम शॉकिंग भी रहता है, तो सैड स्टोरी भी है। फिर लास्ट में वही हैप्पी एंडिंग जो होनी चाहिए, तो वही हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। सर, जैसे हर एक एक्टर का एक ड्रीम होता है भाई, इस लेवल का काम करना है या पर्टिकुलर ये करेक्टर, जैसे पुराने स्टार्स फेवरेट होते हैं भाई, मेरा एक पर्टिकुलर एक स्टार फेवरेट है, मैंने उसका वो करेक्टर मुझे पसंद है, मैंने वैसा करेक्टर करना है, तो आपका कोई ऐसा ड्रीम? किरण, शाहरुख डर, यस, वेरी गुड। तो आप क्या चाहते हैं भाई, जस्ट लाइक सेम करेक्टर आप करना चाहेंगे शाहरुख का? अगर कभी इस तरह का मौका मिला तो मैं ज़रूर परफॉर्म करना चाहूँगा इस तरह के करेक्टर के ऊपर, क्योंकि वही शेड बता रहा हूँ ना, उस फिल्म में नेगेटिव होता है बट उस फिल्म का हीरो होता है। तो इस तरह के करेक्टर्स आजकल भी काफ़ी मतलब पब्लिक में पसंद किए जा रहे हैं। जब धूम 3 में ऋतिक नेगेटिव ही होता है, धूम 3 में आमिर खान नेगेटिव करेक्टर प्ले करता है, तो उसके अंदर आमिर खान लेकिन हीरो होता है। इस तरह के करेक्टर आई थिंक आजकल की ऑडियंस बहुत पसंद करती है। या हनी सिंह के गाने सुन लीजिए, अब क्रिटिक्स तो कहते हैं कि यार इसके अंदर डेली लाइफ के अंदर क्या आप अश्लीलता फैला रहे हो, ये कर रहे हो, बट यंग ब्रीड को पसंद आ रहा है, मतलब यंग एज लाइक हनी सिंह इज एवरीथिंग। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह के रोल्स आएंगे जो पब्लिक को पसंद आए, यूथ को पसंद आए, तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगा। यूथ के लिए कुछ मैसेज? यूथ के लिए बी फिट एंड हिट, फिट इंडिया, फिट यूथ। वेरी गुड।